तो नमस्कार दोस्तों। और आज की जो मैं वीडियो में लेकर गया हूँ, आज हमारा आगे का टॉपिक होने वाला है। आज हम जो टॉपिक के माध्यम से जो सीखने वाले हैं, ये हमारा आगे का यूएफआई का ही पार्ट है। आज हम लोग यूएफआई के माध्यम से ये सीखने वाले हैं कि आप मोबाइल फोन में अनलॉकिंग कैसे करेंगे। अनलॉकिंग का मतलब होता है कोई भी मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन के अंदर अगर आपके मोबाइल फोन में पिन लॉक, पासवर्ड, पिन लॉक हो गया, पासवर्ड लॉक हो गया, पैटर्न हो गया, एनी किसी भी तरह का अगर कोई भी मोबाइल फोन में लॉक लग जाता है स्क्रीन में, कि जब मोबाइल फोन को चालू करते हैं ना, तो मोबाइल फोन को चालू करते समय जो हमारी मोबाइल फोन की मेन स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन को खोलते हैं, तो स्क्रीन को खोलते समय हमारा पासवर्ड मांगने लगता है। कैसे? जैसे ये हमारा मोबाइल फोन है और इस मोबाइल फोन को जो हमने बटन दबाया, तो जैसे हम ऐसे ऑन करते हैं, तो ऑन करने के बाद कुछ पासवर्ड मांगने लगता है। जब पासवर्ड मांगने लगता है तो वो लॉक नहीं खुलता, तो वही लॉक तोड़वाने के लिए हमारे पास आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब मोबाइल फोन आपका सिस्टम से कनेक्ट नहीं होता, या मोबाइल फोन को कंप्यूटर से जब पोर्ट बनाते हो तो नहीं कनेक्ट होता, या कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे मोबाइल फोन का यूएसबी का सर्किट खराब हो जाता है, यूएसबी का लाइन खराब हो जाता है, जिस कारण से हमारा मोबाइल फोन कनेक्ट नहीं होता, तो हम लोग उसका जो दूसरा एक तरीका होता है, वो हम लोग यूएफआई के माध्यम से भी हम मोबाइल फोन के अंदर लॉक को खोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मोबाइल फोन का अगर देखा जाए, मोटा मोटी सी जो बात आती है, हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर स्टोर होता है, वो कहाँ पर स्टोर होता है दोस्तों? एमएमसीआईसी के अंदर। कहाँ पर स्टोर होता है? एमएमसीआईसी के अंदर सॉफ्टवेयर स्टोर होता है। तो जाहिर सी बात, अगर हम लोग उस एमएमसीआईसी को खाली कर देंगे या उस एमएमसीआईसी को फॉर्मेट कर देंगे, तो भी हमारे मोबाइल फोन का लॉक खुल जाएगा। तो आज दोस्तों मैं वही तरीका जानने वाला हूं कि हम लोग एमएमसीआईसी में यूएफआई के माध्यम से कैसे मोबाइल फोन के अनलॉक को ब्रेक कर सकते हैं, कैसे हम मोबाइल फोन में अनलॉकिंग कर सकते हैं, उसका तरीका हम आज सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जितने भी सारी वीडियो हम आपको लेकर के आते हैं, ये सारे ट्रेनिंग की पर्पज से वीडियो होती हैं, जिनके माध्यम से आप सीखते हैं कि मतलब मोबाइल फोन के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको कैसे रिपेयर किया जाएगा, उसे रिपेयर करने का तरीका क्या है, या उसे सोल्यूशंस क्या होते हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप आप रिपेयर करेंगे, हम आपको सिखा रहे हैं। इसी तरीके से दोस्तों, जब आप हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं, सीखने के लिए आते हैं, तो इसी तरीके से एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में आपको समझाया जाता है, पूरा सिखाया जाता है, ताकि आप अच्छी तरीके से सीख करके जाएं और बेहतर तरीके से काम करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं वीडियो में आगे। तो हम लोग यूएफआई के माध्यम से सीखेंगे कि मोबाइल फोन में अनलॉकिंग कैसे करते हैं, मोबाइल फोन में पिन लॉक हो गया, पासवर्ड लॉक हो गया, पैटर्न लॉक हो गया, एनी लॉक, किसी भी तरह का अगर कोई भी लॉक लग जाता है, तो उस लॉक को हम लोग कैसे खोलेंगे, उसका तरीका हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको यूएफआई बॉक्स को ओपन करना पड़ेगा और सिस्टम से कनेक्ट होना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई भी मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन के अंदर जो आईसी लगी होती है, जिसको हम लोग इसकी भाषा में बोलते हैं एमएमसी आईसी। क्या बोलते हैं दोस्तों? एमएमसी आईसी, ये लग रही। तो इस एमएमसी आईसी को हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड से बाहर निकालेंगे। जैसे एमएमसी आईसी को बोर्ड से बाहर निकालेंगे, फिर उसके बाद इस एडेप्टर में लगाएंगे, इसे बोलते हैं एमएमसी एडेप्टर। इसमें हम आईसी को लगाएंगे ऐसे ऐसे। जब आप लगा देंगे तो आपका कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद ये हमारा एडेप्टर पर लग गया। एडेप्टर पर लगने के बाद इसको यूएफआई बॉक्स में लगा देंगे ऐसे। जब इसको लगा देंगे तो ये हमारा पूरा सेटअप रेडी। अब सेटअप रेडी होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अपने सिस्टम पे। हाँ, ये हमारे सिस्टम पे आ गए। सिस्टम में आने के बाद सबसे पहली बात क्या करेंगे, हम एमएमसी यूएफआई टूल को ओपन करेंगे। इस तरीके का हमारा ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इसको हम लोग स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं, ये अपडेट करने के लिए बोलता है, इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पर डायरेक्ट एमएमसी पे क्लिक करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो आइडेंटिफाई करने से आप कनेक्ट हो जाएंगे। देखिए, कनेक्ट हो जाएंगे, एमएमसी कनेक्ट हो जाएगी, पूरी सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन सारी चीज आ जाएंगी।
ये देखिए कनेक्ट हो रही, कनेक्ट हो रही, कनेक्ट हो गई। जब कनेक्ट होने के बाद एमएमसी की पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई। जब एमएमसी की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो आप यूजर एरिया पार्ट में जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे दोस्तों? यूजर एरिया पार्ट। जब आप यूजर एरिया पार्ट में जाएंगे, यूजर एरिया पार्ट में जाने के बाद फिर यहाँ पर आपके पार्टीशन खुल जाते हैं। क्या खुल जाते हैं? पार्टीशन खुल जाते हैं। यहाँ पर पार्टीशन में जाएंगे, पार्टीशन में जाने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा स्पेशल टास्क का। किसका ऑप्शन आने वाला दोस्तों? स्पेशल टास्क। अब स्पेशल टास्क में जाएंगे, स्पेशल टास्क में यहाँ पर ऑप्शन आता ओपो मास्टर क्लियर। ओपो मास्टर क्लियर के बाद फिर यहाँ पर ऑप्शन आता वाइब डाटा एंड एप्स। मास्टर क्लियर डन। ठीक, जैसे मास्टर क्लियर डन कर देंगे तो आपका मोबाइल फोन का मास्टर क्लियर डन मतलब खाली हो जाएगा। उसके बाद आपके मोबाइल फोन की एमएमसी क्लियर हो गई। जब एमएमसी क्लियर हो जाएगी तो आपके मोबाइल फोन जो लॉक लगा है वो लॉक खुल गया है। लॉक क्या हो गया? ब्रेक हो गया, लॉक टूट गया है। और आप उस आईसी को फिर से अपने मोबाइल फोन में लगाएंगे। मोबाइल फोन में लगाने के बाद उस मोबाइल फोन को चालू करेंगे। मोबाइल फोन में चालू करने के बाद आपके मोबाइल फोन ऑटोमेटिक वाइप डाटा पे चला जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा, खाली हो जाएगा। पूरा मोबाइल फोन चालू होगा तो बिल्कुल फ्रेश न्यू चालू होगा। और जैसे फ्रेश न्यू मोबाइल फोन चालू होगा तो आपका मोबाइल फोन लॉक खुल जाएगा। अच्छा, कुछ मोबाइल फोन ऐसे आते हैं जिसमें से आप ऐसे काम कर सकते हैं, मतलब आईसी को उतार के डायरेक्ट अडेप्टर में लगा सकते हैं। अगर आप आईसी को उतारना नहीं चाहते तो आप जम्पर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? आप मोबाइल फोन के अंदर पासवर्ड लगाए, पासवर्ड लगने के बाद आप मोबाइल फोन को खोला, मोबाइल फोन खोलने के बाद उसके अंदर आईएसपी पिन आउट होते हैं। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि जैसे मान लिया ओप्पो A3s आईएसपी पिन आउट, रियलमी C1 आईएसपी पिन आउट। जैसे आप लिख करके ऐसा सर्च करेंगे तो उसमें से आईएसपी पिन खुल जाएंगे। कैसे खुल जाते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इसी में आपको दिखा देते हैं। हमने गूगल खोला, गूगल खोलने के बाद यहां पर हम लोगों ने सर्च किया ओपो A3s आईसी पिन आउट। अच्छा, मैंने इसलिए डाला क्योंकि ओपो A3s बहुत हॉट सेट है। ये तो मोस्टली प्रोग्रामिंग टूल से ही होता है, चाहे यूफाई से करें, चाहे जेटेक से करें, चाहे मेडुसा प्रो से करें। देखिए ऐसा फोटो खुल जाएगा। इस फोटो में बोर्ड का ये सीपीयू है, ये एमएमसी है, इसमें बता रहा है कि ये क्लॉक का है, ये डाटा का है, ये सीएमडी का है, वीसीसी वीसीसी क्यू का। ये तुमको जंपर के माध्यम से क्या करना है? कनेक्ट करना है। जैसे आप जंपर के माध्यम से कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद उसको आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करते ही सेम इस तरीके का ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा आपके सामने। आपने आप डायरेक्ट एमएमसी आइडेंटिफाई किया, इस तरीके का आपके सामने स्क्रीन में इंटरफेस खुल जाएगा। जब ऐसा स्क्रीन में आपका इंटरफेस खुल जाएगा तो इस इंटरफेस को आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर पूरा डिटेल आ रहा है, सॉफ्टवेयर सब कुछ आ रहा है कि जैसे जियो एफ का एमएमसी लगा हुआ है तो आपके पास ओप्पो का मोबाइल फोन होगा, ओप्पो A3s का ऐसा कुछ इंटरफेस, ऐसा पूरा डिटेल खुल के आ जाएगा। और अगर इससे पहले मैंने एक मोबाइल फोन आया था उसका मैंने लॉक तोड़ने का वीडियो बनाया भी था, वो वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वो वीडियो भी मिल जाएगा, ताकि आप वीडियो के माध्यम से भी देख करके समझ सकते हैं कि कैसे सर ने किया, जो बात बोली है उसको प्रैक्टिकली मैंने करके दिखाया भी बच्चों को, आपको भी मैं दिखा दूंगा। तो आपने यूजर एरिया पार्ट में जाकर आइडेंटिफाई किया। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो नहीं मिल पाती तो आप हमारे चैनल पर जाइएगा, उस चैनल पर सर्च करिएगा कि ओप्पो A3s आईएसपी पिन आउट अनलॉकिंग। जैसे आप ऐसा लिख करके सर्च करेंगे तो भी वो वीडियो खुल जाएगी, उस मेरी वीडियो को देख करके आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करते डिटेल आ गई। डिटेल आने के बाद सेम ऐसे इंटरफेस, ये आपके पार्टीशन सॉफ्टवेयर खुल जाएंगे, स्पेशल टास्क में जाएंगे, ओप्पो मास्टर क्लियर। अच्छा, आप यहाँ पर ये पहले ऑप्शन ओप्पो वीवो के लिए ही बना था, इसलिए आज भी ओप्पो वीवो लिख करके आता है, लेकिन आप कुछ भी कर सकते हैं। आप ओप्पो मास्टर क्लियर पर जाएंगे, ओप्पो मास्टर क्लियर करने वाले वाइप डाटा कर देंगे। जैसे वाइप डाटा करेंगे सॉफ्टवेयर आपका चलेगा, सॉफ्टवेयर चलने के बाद आपके मोबाइल पर मास्टर क्लियर डन ऐसा लिख जाएगा। जैसे मास्टर क्लियर डन लिख जाएगा तो मोबाइल फोन में आपके मोबाइल फोन का लॉक खुल गया। तो देखिए कितना आसान है इसके माध्यम से मोबाइल फोन का लॉक खोलना, यूएफआई के माध्यम से, और फिर आइडेंटिफाई करेंगे और आपका मोबाइल फोन का लॉक खुल चुका होगा ऐसे। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं कि जैसे आपके पास कोई मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन में एफआरपी भी लगा हुआ है, और अगर आप मोबाइल फोन में एफआरपी को भी तोड़ना चाहते हैं तो फिर आप कैसे तोड़ेंगे, उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूं यहीं पर। पहले पूरा ओपन हो जाने दीजिए, किसी कारण से अगर एक बार करते हैं नहीं ओपन होता तो फिर से आप दोबारा आइडेंटिफाई करिए। ये देखिए आइडेंटिफाई करिए। जैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद स्पेशल टास्क में जाएंगे। कहां पर जाएंगे? स्पेशल टास्क में जाएंगे। स्पेशल टास्क में जाने के बाद यहां पर क्लियर एफआरपी लॉक। क्या करेंगे दोस्तों?
क्लियर एफआरपी लॉक। जैसे क्लियर एफआरपी लॉक पे आप क्लिक करेंगे फिर आपका सॉफ्टवेयर चलेगा। फेल, डिवाइस इज नॉट एफआरपी लॉक, मतलब इस डिवाइस में एफआरपी लॉक नहीं लगा है इसलिए फेल हो गया, वरना यहाँ पर जाकर के आप एफआरपी लॉक तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप मोबाइल फोन में क्या कर सकते हैं, ओप्पो मास्टर क्लियर में क्लियर एफआरपी रीसेट एफआरपी लॉक, यहाँ से आप कुछ करना चाहें, अगर आप एफआरपी हटाना चाहें तो आप यहाँ पर एफआरपी हटा सकते हैं। ओप्पो मास्टर क्लियर में जाकर के आप मोबाइल फोन को रीसेट कर सकते हैं। एमआई अकाउंट तोड़ना चाहें तो एमआई अकाउंट तोड़ सकते हैं। और आपको इस पार्टीशन में जाना पड़ेगा, इस यूजर एरिया पार्टीशन सॉफ्टवेयर के अंदर जाना पड़ेगा, मास्टर क्लियर एफआरपी डन हो जाएगा और आपका काम ओके, मतलब मोबाइल फोन का लॉक खुल जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको बताया कि कैसे हम लोग मोबाइल फोन में लॉक खोलेंगे, यूएफआई के माध्यम से मोबाइल फोन का लॉक कैसे तोड़ेंगे, उसका तरीका क्या है, उसके बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया। इसी तरीके से हम आपको टेक्निकली वीडियो हम आपको देते रहते हैं ताकि आप लोग वीडियो के माध्यम से काफ़ी लोग सीखते रहें। इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने मैसेज किया है कि सर जो भी चीज़ आप मुझे बता रहे हैं उसको मैं प्रॉपर वे में अच्छे से स्टेप बाई स्टेप मैं नोट करता हूँ, क्योंकि ये सारी वीडियो आपके ट्रेनिंग वीडियो ही हैं, आप इनसे सीखें। और बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं कह सकता हूँ कि ये डेमो वीडियो है, आप चाहें तो इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, देखने के बाद समझ सकते हैं कि कैसे ट्रेनिंग दिया जाता है, किस तरीके से आपको सिखाया जाता है, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग आपको दी जाती है। कोई भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन के अंदर आने वाली समस्या को बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग आपको दी जाती है और स्टेप बाय स्टेप आप मोबाइल फोन को रिपेयरिंग करने का तरीका सीखते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि कैसे क्लासेस चल रही हैं, कैसे कोर्स आपको सिखाया जा रहा है, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमें फ़ोन कर सकते हैं और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं कि देख सकते हैं कि कैसे कोई प्रॉब्लम आ रही तो उसको ठीक किया जा रहा है या बच्चे कैसे सीख रहे हैं, क्या ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या है। और ये जो ट्रेनिंग सेंटर पड़ता है ये कानपुर में है, कानपुर में सबसे बड़ी मार्केट पड़ती है सागर मार्केट, जो मोबाइल फ़ोन की सबसे बड़ी मार्केट है, यहाँ पर दुनिया जहान का आदमी मोबाइल फ़ोन ठीक कराने के लिए आता है। तो आप भी जब यहाँ पर सीखते हो तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, एक ये बेनिफिट मिलता है कि आप मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करते हुए या मार्केट से बहुत सारे फ़ोन आएंगे तो उनको आप रिपेयर करेंगे, तो सीखने के बाद आपका हाथ भी साफ हो जाता है, प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है और अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।